बहुत लंबा ट्रैफिक हो रखा है यहाँ पर, गाना के एंजॉय कर रहे हैं। आई यहाँ पर देखो पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। सो गाइस सब तैयारी हो चुकी है, हम लोग रेडी हो चुके हैं, अभी हम लोग निकलना है। ऑलरेडी 3 घंटा लेट हो चुके हैं हम लोग चेकआउट का टाइम से। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से घर के निकल रहे हैं, तो होटल का नाम है चॉइस क्लासिक होटल। हाँ छोटा होटल है बट काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप शनिवार वाला आ रहे हैं और कुछ स्टे करना तो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। टाइम हो रहा है 3:10, यहाँ से अराउंड 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। बॉम्बे जाने के लिए इधर से ही है ना, इधर से ही है ना। और ये गूगल मैप पता नहीं हमें कौन से रास्ते से लेके जा रहा है, बिकॉज़ ये वो रास्ता नहीं है जिससे हम लोग नॉर्मल जाते हैं। आई होप कि गूगल मैप जल्दी से हमें हमारे रेगुलर रास्ते से कनेक्ट करवा दे। आई थिंक ये जो एरिया है ये है पिंपल चिंचवाड़, एंड अंदर ही अंदर हम लोग घूम रहे हैं, एंड होपफुली जल्दी ही हमें NH 48 से कनेक्ट करेगा। एक अच्छी बात जो सुबह से हुई है कि यहाँ पर मौसम काफ़ी साफ हो गया है, सामने का बादल आप देख सकते हैं। गाइस हम लोग है सोमाटना फाटा करके एक जगह में, डेडली कॉम्बिनेशन चाय और मैंगो लस्सी। जोशी बड़े वाले में हमने हॉल्ट किया था, एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉप जो होगा हमारा वो होगा लोनावाला का। थोड़ा सा ट्रैफिक जैसा लग रहा है आगे। तो फ्लाईओवर के नीचे से अगर हम लोग जाएंगे तो आगे आपको मिलेगा पवना लेक। तो यहाँ से कुछ 15-20 मिनट का रास्ता है पवना लेक के लिए, बिना देखे जा रहे हैं यार। अगर आप कभी पवना लेक गए हैं तो आपको पता होगा कि पवना लेक का ये स्ट्रेच जो है काफ़ी अच्छा है, एंड यहाँ पर बाइक चलाने का मज़ा एकदम अलग लेवल का है। इवन आजू बाजू के नज़ारे भी काफ़ी खूबसूरत है, आप देख ही सकते हैं। सो गाइस अगर आप मुंबई साइड में रहते हैं तो पवना लेक ज़रूर आइए, एंड ये रूट को इंजॉय करिए। यहाँ से रेलवे ट्रैक कितना अच्छा दिख रहा है यार। तो ये है वेट एंड जॉय वाटर पार्क, यहाँ पर कभी आया नहीं मैं, देखता हूँ कभी आने का मौका मिलेगा तो। किस पास का ट्रैफिक है यहाँ पर, बहुत लंबा ट्रैफिक हो रखा है यहाँ पर। तो गाइस थोड़ा सा रास्ता मिल गया, काफ़ी आगे तक आ गया। मस्त गाना के एंजॉय कर रहे हैं, रास्ता मिल गया, हम काफ़ी आगे आ गए हैं बट ट्रैफिक अभी भी दिख रहा है। मुझे फर्स्ट टाइम मुझे इतना ट्रैफिक मिला है इसमें, वरना इसमें ट्रैफिक होता ही नहीं है, पूरा खाली रहता है। गाइस यही चौराहे की बात कर रहा था मैं, आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो लोहगढ़ फोर्ट पहुँचेंगे, एंड राइट साइड जाएंगे तो एकवीरा मंदिर। बहुत टाइम वेस्ट हो गया, टाइम यहाँ पर देखो पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है। फर्स्ट एड टोल पहुँच चुके हैं हम लोग, और इसलिए थोड़ा सा ट्रैफिक है। टू व्हीलर को जाने का रास्ता दो। तो फाइनली हम लोगों ने वर्सोली टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया है, एंड यहाँ से मेन लोनावाला जो जंक्शन है वो अराउंड 6 किलोमीटर डिस्टेंस में है, एंड जल्दी ही पहुँच जाएंगे हम लोग। एंड कुछ दूर चलते ही फिर से ये ट्रैफिक लग गया है, पूरे व्हीकल्स लोग लाइन से खड़े हैं। पता नहीं क्या हो गया है, लगातार ट्रैफिक है। मे भी आज संडे है इसके वजह से हो रहा होगा, सब घूम के वापस आए होंगे, बट सच में काफ़ी ट्रैफिक है यार। अरे आगे एक लेफ्ट टर्न है, चौराहा है, वहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो आपको भूसी डैम मिलता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक होता है, बट इतना ट्रैफिक तो पहली बार मिल रहा है हमने को। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। और कुछ दूर जाते ही हम लोग फिर से एक बड़े ट्रैफिक जाम में फंस गए, सामने देख सकते हैं कितना लंबा ट्रैफिक है।
अरे क्या है, सो गाइस फाइनली हम लोग लोनावाला खंडारा लेक में पहुंच गए। गाइस वी आर एट राजा माची उद्यान, यहाँ पर पूरा गार्डन है पीछे। राजा माची उद्यान काफ़ी अच्छा पार्क है, तो जब भी हम लोग लोनावाला साइड आते हैं या फिर आगे से कहीं से आ रहे होते हैं तो हम लोग यहाँ पर जरूर रुकते हैं। बहुत अच्छा पार्क है, आप फैमिली को लेके आइए, बच्चे को लेके आइए। एंड हम लोग निकल रहे हैं राजा माची से। राजा माची गार्डन के साइड में ही एक छोटा सा मंदिर है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। एंड सामने है राजा माची का व्यू पॉइंट, काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से। सो गाइस ये है खंडारा घाट। तो हम लोग अभी खंडारा घाट से होते हुए खोपोली घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड ये राइट साइड में है मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, जहाँ पर बाइक्स अलाउड नहीं है, तो हम लोग को सीधा जाना है खोपोली घाट होते हुए। खंडारा घाट क्रॉस करते ही आपका खोपोली घाट चालू हो जाता है। एंड खोपोली घाट थोड़ा सा नाइट में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, आप देख ही सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे के चलाइए। अगर आप बाइक से इस रूट से ट्रेवल कर रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ से एक ये एग्ज़िट मिलता है, जहाँ से आपको एग्ज़िट लेना है। अगर आप सीधा जाएंगे तो आपका एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट हो जाएगा, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, तो वहाँ पर बाइक अलाउड नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पनवेल। सो गाइस फाइनली वी आर रीचिंग आवर बिल्डिंग। I hope you like this video, and if you like this video please hit the like button and share it with your relatives and friends, and if you are new to this channel please do subscribe to this channel and hit the notification bell icon so that whenever I upload any new video you will get the notification and you won't miss that video. So guys milte hain next video mein, tab tak ke liye bye, see you, take care and keep traveling guys. So guys finally hamara Goa ka trip khatam ho gaya and ghar pahunch chuke hum log। बाइक कुछ ऐसी दिख रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया बाइक में। अभी सामान अनलोड करेंगे, अराउंड 1900 किलोमीटर हमने कवर किया, 1800-1900 कवर कर लिया कुछ। एंड काफ़ी अच्छा रहा हमारा ट्रिप।